तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी नॉट चार्ली, लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक और न्यू वीडियो। तो गाइस ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग की मोटिवेशन के लिए, मैं आपको फिर से बता दूं क्योंकि मुझे शौक नहीं है मेरी ये सब चीजें शेयर करने का या आपको दिखाने का। ये सिर्फ और सिर्फ छोटे यूजर्स के लिए जो ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ जो है ना कुछ कैमरे होंगे, मतलब कंप्यूटर होगा, बड़ा सेटअप होगा लाखों का, तभी हम जो है ना यूट्यूबर बन सकते हैं या तभी हम जो है ना यूट्यूब पे आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं मेरी जान। मैं आपके साथ अपना रूम टूर शेयर करूंगा, साथ साथ में बताऊंगा भी कि क्या प्राइस है। ज्यादा चीजों के नहीं बताऊंगा, मतलब आपके सामने खुद ही जो है ना उन चीजों के प्राइस आपको बताऊंगे, क्या क्या प्राइस है, क्या क्या नहीं है। तो भाई चले बिना टाइम वेस्ट के सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाहर से, और आपको एंड में भी दिखाएंगे कि अभी जो है ना पहले कैसा था मेरा रूम और उसके बाद कैसे हुआ। लाइक इतनी जो चेंजेस नहीं आई, लेकिन थोड़ी बहुत आपको दिख जाएगी उसके अंदर। हाँ तो भाई लोग, जैसे आप मेरा रूम खोलते हो तो भाई ये रूम खुलते ही ख़त्म हो जाता है। वेट करें, मैं सबसे पहले तो दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ क्योंकि ये आवाज़ बहुत करता है। तो भाई जैसे आप मेरे रूम के अंदर आते हो, राइट साइड पे आपको एक जो एक सोफ़ा मिल जाएगा या चेयर है, जो भी आप इसको कह लो। इसके ऊपर भाई एक बैग पड़ा हुआ है। बैग हमें जो है ना कहीं आना जाना रहता है तो ये हमारा बोझ काम आता है। इसके अंदर हम चीज़ें भी डाल लेते हैं दो तीन, तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं, या गाँव के लिए जाना होता है तो ये हमारा साथ बहुत देता है। अभी यहाँ से अगर आप व्यू देखो इस साइड की, तो यहाँ पे एक और सोफ़ा पड़ा हुआ है और साथ में एक टेबल है, एक मेज़ है या जो भी आप इसको कह लो। इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें पड़ी है। इसके ऊपर हम आते हैं, वो एक डस्टबिन है जो कि आपको दिख रहा है, जो कि हमारे काफ़ी काम आता है। और अभी मैं आपको यहाँ से भी एक लुक दे देता हूँ। तो यहाँ पर एक डिस्पेंसर है जो कि हमारे किसी काम का नहीं, ये ख़राब है, शॉर्ट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर रखा हुआ है इन लोगों ने। पहले मैंने रखा डेकोरेट के लिए था, मैंने बोला इसके ऊपर मैं थोड़ा यहाँ पर एक लाइट रख लूँगा, लेकिन वो लाइट मैंने रखा नहीं, फिर थोड़ा आगे पीछे हो गया। अभी यहाँ पे हमारा मेन काम रहता है भाई सोने का, और सोते सोते ही भाई हम काम करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे हम काम तब करते हैं जब हमें कुछ ज़्यादा नींद आती है और हमें काम करना होता है, तो यहाँ पे हम बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ यहाँ पे। अभी आप सोच रहे होंगे एक दो तीन पिलो क्यों पड़े हैं। इसके ऊपर भी भाई काफ़ी जो है ना एक कहानी है, कभी हम करेंगे वॉइस ओवर के बारे में। ज़्यादातर जो लोग पूछते हैं वॉइस ओवर कैसे करते हो, तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ है कुछ, अपनी स्टूडियो भाई यहाँ पे बन जाती है। अभी यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी है। तो सबसे पहले तो डायरी है, तो डायरी में भाई जो जो आइडियाज़ मुझे आते हैं तो वो मैं लिख लेता हूँ कंटेंट के हवाले से, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ सेकेंड चैनल के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ मैं डायरी में लिखता हूँ। उसके साथ साथ पेनाडोल पड़ा हुआ है, कभी कभार काम आ जाता है तो उसको खा लेते हैं। यहाँ पे ग्लासेस है, तो ये मैं जब पबजी खेलता हूँ ना तो ये ज़्यादातर तभी होता है, या जब ज़्यादा काम करता हूँ। तो ये रेबस की तरफ से हमें आए थे, वैसे ब्लर नहीं हो रहा, छोड़ो। ये मास्क है, कभी बाहर जाना पड़ता है उसके लिए। ये भी एक चीज़ है, मैं दिखा दूँ, ग्लव्स है, वो ग्लव है यहाँ पे फिंगर के लिए, गेम खेलने के लिए। यहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा जो केबल्स आपको दिख जाएंगे, तो ये आईफोन का केबल है ये वाला, ये इसके ऊपर मैंने मार्क लगाए हैं। बाकी ये एक मेरा है एंड्रॉयड का, ये एक मेरे छोटे भाई का है। यहाँ पे भी कुछ मेडिसिन वगैरह पड़ी है, तो ये स्टमक के लिए मेरी अलग सीन है। अच्छा, तो ये जुगाड़ है भाई, यहाँ पे जुगाड़ है, यहाँ पे मैंने ये लगाए हैं, आप देख सकते हो। ये तकरीबन 80 रुपये का मैंने शायद लिया था, तो ये जुगाड़ बना लिया था। RGB नहीं था, तो RGB होता है जो भी होता है, तो वो रूम में थोड़ा मतलब मज़ा आता है ना, तो इसलिए मैंने इसका जुगाड़ लगा के अपने लिए थोड़ा वो दिल को तसल्ली हो गई कि हाँ भाई कुछ रूम के अंदर कलरफुल है। अभी यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और भाई मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो ये सब चीज़ें ही थी। लाइक अगर स्टार्ट यहाँ से करें तो इस माइक के ऊपर मैंने तकरीबन शायद 200-300 रुपये लगाए थे, 300-400 रुपये शायद यही थे। इसके ऊपर कम लगाए थे, ये शायद 150 में मिल गया था मुझे। इसके साथ साथ फिर ये भी मैंने लिया था, ये आईफोन के लिए था, बाद में था चैनल मैंने जो है ना इससे पहले स्टार्ट किया था, तो ये इसमें काउंट नहीं होता। ये चार्जर वगैरह पहले से था। मैं आपको सबसे एक बड़ी चीज़ दिखा देता हूँ भाई, ये मैंने इससे स्टार्ट किया था। लाइक मैंने अपना चैनल जो है ना सिर्फ इस मोबाइल से स्टार्ट किया था, और इस मोबाइल से ही मैंने 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी और कुछ नहीं था, इन्वेस्टमेंट जो थी इन्हीं चीज़ों में थी। ये हैंट्री हो गई, ये भी हैंट्री हो गई, ये भी रिवर्स की तरफ से थे, ये चीज़ें तो जो है ना ये तो चलो चैनल में नहीं आती, लेकिन यहाँ पर ये मेरी यूज़ में थी। ये भी हमें रिवर्स की तरफ से मिली, ये रिवर्स की तरफ से मिली थी, और ये गिफ्ट आई थी, ये गिफ्ट मिली थी अपनों से, समझ जाओ। अच्छा, ये जो है ना ये चीज़ अभी पड़ी, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये भाई मेरा एक अलग जो है ना एक आइडिया है, हिसाब से समझ लो, या एक अलग जुगाड़ है। ये देखना आप, यहाँ पे ये मैं इसके अंदर ऐसे लगाता था, रुको, ये हो गया, लग गया शायद, और ये देख लो भाई, फेस कैम करना हो, इंस्टाग्राम पे लाइव आना हो, रिंग लाइट नहीं हो, तो भाई ये यूज़ कर सकते हो आप कम पैसों में।
कम पैसों में आप भाई आराम से रूम टूर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा ही इसलिए रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिल सके कि हाँ भाई कम पैसों में भी स्टार्टअप हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपके साथ जो है ना गेयर्स वगैरह या सेटअप वगैरह कुछ महंगा हो तभी आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो ये भाई मेरे स्टार्टअप जो मैंने लिया था, लाइक मैंने इतने में लिया था, $10 to $20 में शायद स्टार्ट किया था। ये नहीं कि मैंने कुछ जो है ना PC ले लिया, ये वो फला ये चीज़ें नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मैंने और की है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ वो कैसा है। तो गाइस पहले वाला रूम भी आप लोगों ने देख लिया था जिसके अंदर जो है ना ये रिंग लाइट नहीं थी, जो कि मैंने आपको इससे पहले क्लिप्स के थ्रू दिखाई, ना जो है ना ये RGB वाला जो सिस्टम है पीछे जो कलरफुल जो रेनबो टाइप बना हुआ है, ना ये था। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप अप किया है, मैंने रिंग लाइट लिया था 4000 का और ये जो लाइट जो ब्लिंक ब्लिंक कर रही है ये मतलब RGB अगर मैं लगाता तो महंगी आती, लेकिन ये 280 रुपए की मैंने लिए सिर्फ अपने वो दिल का जो है ना एक वो बड़ास होता है वो कम करने के लिए कि हाँ भाई मेरे रूम में थोड़ी कलरफुलनेस हो, मुझे अच्छा लगता है वो चीज़। तो आप अगर वो नहीं लेना चाहते तो ना लो, रिंग लाइट नहीं लेना चाहते ना लो। रिंग लाइट का जुगाड़ मैंने आपको बता दिया था प्रीवियसली में, मतलब पहले में जो कि मैंने पहले से करता हुआ आ रहा था, आप वैसे कर सकते हो। ये कलरफुल लाइट के लिए मैंने आपको वो पिछले रेड कलर की लाइट दिखाई थी जो कि आपको 120 रुपये की मिल जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, आप उसका जुगाड़ लगा सकते हो। कलरफुल जो है ना शॉपर देख लो उसके अंदर डाल के ज़्यादा लाइट आती है। तो लाइक ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फिर से बता दूँ इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। काफ़ी लोग क्या करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना रूम के अंदर कंप्यूटर नहीं है, रूम के अंदर रिंग लाइट नहीं है, रूम के अंदर RGB नहीं है, तो हम कैसे यूट्यूब स्टार्ट करें। भाई आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो फिर से मैं आपको बता दूँ सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल से। आपके पास अच्छा मोबाइल होना चाहिए, दूसरा आपके पास जिगरा बड़ा होना चाहिए। मेरी जान जिगरा बड़ा होने वाला मतलब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी आपको उसका फल मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला। मैंने मेहनत की सही है, मैं अपनी बड़ाई अपने मुँह से नहीं कर रहा, आपके सामने मेरा चैनल है मेन, आप जाके देख सकते। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब मस्ट कर लेना अगर आप कुछ पबजी के बारे में जानना चाहते हो तो। बाकी फिर से मैं बता रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के पर्पज से बनी है और वैसे नहीं बनी। मुझे शौक नहीं है छोटी मोटी चीज़ें दिखाने का, लाइक मैं क्यों दिखाऊं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग मुझे देखते हैं जो कि मुझसे कुछ सीखना चाहेंगे। तो ये मैंने इसलिए आपको बताई है कि भाई आप अगर स्टार्टअप लेना चाहते हो तो आप स्टार्टअप लो, छोटी सी छोटी चीज़ से स्टार्टअप लो, आगे जब जाओगे खुद फिर आप खुद जो है ना अपग्रेड करोगे खुद को, खुद जो है ना लेवल अप करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, वीडियो भी आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो में कुछ आगे पीछे गलती होगी तो उसके लिए माजरत, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे कुछ इतने जो ना प्रोफेशनल नहीं इन चीज़ों में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो गलती नहीं करेंगे, कुछ गलती होगी तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।